अमेरिका भी इकट्ठा हो गया है और जेलेंस्की भी बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को नहीं जाना चाहिए था। जेलेंस्की साहब क्या समझते हैं कि भारत रशिया से अपने ताल्लुकात तोड़ ले, भारत अपने रिलेशंस खत्म कर दे? जो कई जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंटें बहुत जल्दी इन्होंने दी हैं, खासकर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था जब तक मोदी साहब स्टिल ऑन द सोइल ऑफ रशिया। आज की डेट में इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि पूरे वर्ल्ड में रसा यूक्रेन को एक साथ नाक पकड़ने वाले, सलाह देने वाले, या क्या करें या क्या न करें, ऐसा अगर मजबूती के साथ कह पाने की स्थिति में कोई है तो वो इंडिया है और उसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप नहीं चाय बेच यार, वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है, वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडम किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है, मतलब पहले नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है वॉर के ऊपर, एक क्रेजियस स्टैंड है मैं समझती हूँ, तो उससे जेलेंस्की की शिकायत उन्होंने दूर कर दी। क्योंकि अमेरिकन डायरेक्ट तो मोदी साहब को कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जबरदस्त तारीफ की जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होने से पहले हमने देखा कि वेस्ट की तरफ से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से कई सारे बयान आ रहे थे, जिसमें वो मोदी जी के इस दौरे को जो है ना वो कह रहे थे कि इनको नहीं जाना चाहिए रशिया में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पुतिन के सामने बैठ कर यूक्रेन वार को लेकर बात की और वहाँ पर हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ है, जहाँ पर कुछ बच्चों की डेथ हुई है, उसका जिक्र किया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे वेस्ट का मीडिया हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जबरदस्त तारीफ कर रहा है। वीडियो मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे भी आपको पता ताल्लुकात, एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ वन मैन हु कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम। दूसरा, तार साहब अगर देखा जाए तो 80-81 पैराग्राफ्स हैं दोनों मुल्कों के जो ज्वाइंट बायलैटरल स्टेटमेंट जारी हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, न्यूक्लियर, काउंटर टेररिज्म, कश्मीर का भी जिक्र किया तार साहब, वो जो कश्मीर में उनके जो फौजी जिनकी जानें चली गई हैं। तार साहब, उधर अमरीका में नेटो की समिट हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों चीजों को? अमरीका भी इकट्ठा हो गया है और जेलेंस्की भी बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को नहीं जाना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं ये सारी चीजों को, खास तौर पे आज उनको बहुत हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है मोदी साहब को मॉस्को के अंदर, हाउ डू यू सी ऑल दिस? मेरे ख्याल में जो कई जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंटें बहुत जल्दी इन्होंने दी हैं, खासकर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था जब तक मोदी साहब स्टिल ऑन द सोइल ऑफ रशिया, इन्होंने जल्दी की। लेकिन उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट ये हुई है कि उनके समिट के दौरान ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, 6 शहरों को निशाना बनाया गया है, उनमें से एक कीव के ऊपर जो बम लगा है, वहां एक हॉस्पिटल के ऊपर लगा, वहां पे बच्चों की मौत हुई है, और उसको यहाँ वेस्ट जो है वॉशिंगटन डीसी उस पर कैपिटलाइज करना है। रशिया की उस पर क्या बयानिया आया, वो कहते हैं कि ये डिफेंस मिसाइल जो यूक्रेन ने चलाया था ये वही मिसाइल वहां गिरा, ये हमारा मिसाइल नहीं। लेकिन मोदी साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है, वैसे बहुत बड़ा साइन है। परेशान है इस वक्त, स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है, कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें, परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पर मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है, वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठ कर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडम किया। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन।
तो ये सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने वहां पे बैठ कर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। जो बहुत बहुत जबरदस्त उन्होंने एक स्टैंड लिया है, और वो स्टैंड है यूक्रेन वॉर पर। मैं सोच रही थी कि क्या मोदी साहब की तरफ से पुतिन के सामने ये बात की जाएगी, और वो कैसे उनको कहेंगे कि ये जो यूक्रेन वॉर है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से दो टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड, बैटलफील्ड पर कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं बल्कि पीस। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल, कि जब मासूम बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बात उन्होंने किस पर कही है, ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर उनको कन्फ्रंट किया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कल रात को रशिया की तरफ से यूक्रेन पर जो एक हमला किया गया उसमें 37 लोग कहे जा रहे हैं, और वो कहा गया कि एक अस्पताल पे हुआ है उसमें बच्चे भी मारे गए हैं, और 37 से 40 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए हैं। तो ये डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा कि जो वॉर है, एक तो ये कि डायलॉग ही वो रास्ता है कि जिसके थ्रू आप वॉर का हल निकाल सकते हैं, डायलॉग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर पीस, पीस थ्रू डायलॉग की उन्होंने बात की, थ्रू टॉक्स, पीस टॉक्स। और उन्होंने ये बात जो की कि बच्चे मरते हैं किसी भी जंग में या किसी दहशतगर्दी के हमले में तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो ये एक तरीके से मीडिएशन ही है। ये जो बात कही जा रही थी कि दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है और ये जंग बंद करवा सकता है, तो क्या ये जो बात की है नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर ये किसी मीडिएशन से कम तो नहीं है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर ये कह रहे हैं कि ये जो आपने हमला किया है यही है ना कि आपने जो हमला किया बच्चे मारे गए तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इससे बहुत बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक चीज़ है। और साथ ही उन्होंने उनको ये कहा कि बैटलफील्ड तो सोल्यूशन नहीं है, साफ साफ बता दिया कि आइए बैठकर बात करते हैं। और इसमें एक इशारा भी है ना कि अगर आप चाहते हैं तो हम बात करवा देते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने दो अलग अलग प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है, जहां पर पाकिस्तानी पत्रकारों को आपने सुना है वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रशिया दौरे को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और जिक्र उसी बात का किया जा रहा है कि अमेरिका ने या फिर यूक्रेन ले लीजिए, उन्होंने जल्दबाजी में बयान तो दे दिए लेकिन उनको जो है ना इतना जल्दबाजी में बयान नहीं देना चाहिए था। पहले प्रेसिडेंट पुतिन और मोदी जी की जो मुलाकात हुई है उसको होने देना चाहिए था, उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आता है उसमें क्या निकल कर आता है उसके बाद उसे कुछ कहना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि वो पहले ही इस प्रकार के ट्विटर पर जो है ना वो एक्स पर जो है ना ट्वीट कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि मोदी जी को रशिया नहीं जाना चाहिए था, और भी कई सारी बातें उन्होंने यहाँ पर की हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया है, उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने यूक्रेन वॉर का जो है ना जिक्र किया। मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि किसी भी समस्या का हल युद्ध के मैदान में नहीं होता है, बैठकर ही होता है, उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा उन्होंने जो कीव में जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ उसका जिक्र भी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने किया है। तो ये सब बातें जब सामने आई तो एकदम से जो है ना वेस्ट का और यूक्रेन के जो है ना सुर बदल गए। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।